हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेल्फ कार्बन कैसे सेट किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी देंगे। पैशन प्रो बाइक का सेल्फ कार्बन कैसे सेट करते हैं, आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। जब तक वीडियो अंत तक ख़त्म ना हो जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल और घंटी को दबाना ना भूलिए। इसमें हम तीन पेंच लगे रहते हैं, तीनों पेंच हम पेचेस के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से खोल लेंगे और एक एक करके कायदे से खोल लिया। ये तीनों पेंच हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें कार्बन डालेंगे। कार्बन थोड़ा सा बचा हुआ है, गड़बड़ हो गया है, इसमें हम कार्बन डालेंगे। इसके कार्बन डैमेज कुछ हो चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। देखते रहिए, ये कार्बन वाले पेज खोल रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसे सेट किए जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोनों पेज हमारे खुल गए हैं। अब हम ये तीसरा पेच खोलेंगे, जो कि वायरिंग जो सॉकेट में बंधा रहता है, प्लस वाले तार में जो काला तार, लाल तार रहता है, सॉरी। अब इसको हम प्लास के माध्यम से भी खींच लेंगे। पहले हल्का सा ठोकर मारेंगे, हो सकता है ऐसे ही निकल आए, मगर ये ऐसे नहीं निकल रहा है। इसको हम प्लास के माध्यम से इसको खींचेंगे। नोक प्लास लेंगे और ये हल्का सा हिलाएंगे, ये निकल आया। ये पैशन प्रो बाइक का सेल्फ कार्बन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यूट्यूब चैनल को बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे सेल्फ कार्बन सेट किए जाते हैं। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो हम ये सेल्फ कार्बन की हड्डी उठाएं, जो कि जिसमें सेट किए जाती है। और ये देखिए कैसे फिट किया जा रहा है। इसको फिर अंदर हाथों के हल्के हाथों से दाब देंगे, प्लास की नोक वाले प्लास के माध्यम से। और हम अब इसमें स्क्रू लगाएंगे, जो लगे हुए थे छोटे, लगभग 6 या 7 नंबर स्क्रू लगे रहते हैं, 6 नंबर पेच लगे रहते हैं। अब एक एक करके पेच हम टाइट करेंगे। और उससे पहले हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे सेल्फ कार्बन सेट किए जाते हैं। पैशन प्रो बाइक या अदर वर्क कोई भी गाड़ी हो, अगर आपको सेल्फ कार्बन की कोई प्रॉब्लम आए, आपका सेल्फ ना चले, तो आप इसमें दो ही चारा रहता है। पहला नंबर जो कि इसमें रिले प्रॉब्लम कर जाती हैं, और दूसरा ये कार्बन चले जाते हैं। अगर रिले चली जाती हैं तो टिक टिक की आवाज़ नहीं आती है। और अगर टिक टिक की आवाज़ आ रही है तो इसका कार्बन चला गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल और घंटी दबाना मत भूलिए। हम पेचकस के माध्यम से हल्के हाथों से इसके पेच टाइट कर रहे हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सेल्फ कार्बन कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे डालें। कंपनी में कभी बताते हैं, हमारे कस्टमर आए थे, बता रहे थे कि वह हमारा सेल्फ कार्बन बनाया नहीं, सीधा सेल्फ नया डालने को कह रहा था। हमने कहा भाई साहब, आप सेल्फ नया नहीं, कार्बन इसमें पड़ जाएंगे, सस्ते में भी कहीं काम हो जाएगा, आपका वैसे ही काम चलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। आप कहीं भी
शॉप पे चले जाएं, कार्बन डलवा सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। इसको हम कैसे सेट करते हैं इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे कार्बन सेट किए जाते हैं। इसके कार्बन और स्प्रिंग को हम एक हल्के हाथों से फिट कर लेंगे, दाबेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। कैसे सेट किए जाते हैं कार्बन आप देखते रहेंगे तभी आपको पता चलेगा, और वीडियो पूरा अंत तक देखें तभी आपको पता चल पाएगा सेल्फ कार्बन कैसे सेट किए जाते हैं और कैसे सेट करने का तरीका होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल को, और बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो बेल एंड घंटी को दबाना भाई साहब नहीं भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें जिससे कि आपकी गाड़ी में सेल्फ कार्बन के विषय में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई जवाब जरूर देंगे कैसे क्या सही होता है और क्या प्रॉब्लम कर रही है आपकी गाड़ी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। ये है हम सेट करने वाले हैं, बस थोड़ा ही सही बचा है, ये सेट कर लिए हैं। अब हम इस पर इसका कवर लगाएंगे, मैग्नेट कवर जिसमें मैग्नेट रहता है। ये सेट हो गया हमारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल को, और बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। इसको हम बांध के ट्रायल मारेंगे सेल्फ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे ये सेल्फ मैग्नेट को नचाता है। इसकी भी आपको जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अंत तक देखें जिससे अब यह है प्लस वाला तार। इसमें हम प्लस वाले तार में पेच लगा के इसको टाइट कर लेंगे। तीनों बोल्ट टाइट कर लिए हैं सेल्फ के, अब हम प्लस वाले तार को टाइट कर लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल एंड घंटी को दबाना मत भूलिए। भाइयों आपसे सभी निवेदन करता हूँ वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब इसका टेस्ट करेंगे सेल्फ चलता है और कैसे चलता है। यह है सेल्फ कैसे चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मैग्नेट को कैसे नचा रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।